بسم الله الرحمن الرحيم. अपना मरना अबे दी चोर
हमारे मुर्शिद कामल, हमारे सरों के ताज, हमारे रहनुमा, हमारे पेशवा, मेरे हुजूर, आप सब के हुजूर, गरीब नवाज हजरत साहबजादा पीर सैयद जब हुसैन शाह साहब तिरुपति संदी कादरी मदर जलवाली आप भी बड़े इंतमाम से जिक्र सीन सीकत पर शुक्रिया हमारे आस्थाना शरीफ का एक खूबसूरत तरीन इम्तियाज है कि साफ रसूल और अहले बैत रसूल की अजमत की हमेशा यहाँ से गुवाही दी जाती है और आप सबके जोर दौर में मैं अपने साथी मुकर्रम हजरत अलामा सदर रजा कादरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और आकर यार यार का वो इसको मस्ती का और इसको मोहब्बत का तस्करा सुनाए जिससे हमारे ईमान हमारे इसको चार चांद लगे। आप सब के नाम की गूंज में हजरत अलामा मौलाना सफदर रजा कादरी साहब को दावत देता हूँ। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाना में गए थे तो उनके कैद खाना में जो साथी थे वो हम मजहब नहीं थे, काफिर थे, उनके लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ या साहिब सिजन, ऐ मेरे कैद खाने के साथी। तो फिर लोगों ने सूरह यूसुफ से साहिब मतलब दिया और सूरह तौबा से भी दिया कहा कि इस लफ्ज में अगर इतनी अजमत होती तो ये काफिरों के लिए इस्तेमाल ना होता, ये तवज्जो रखे और ये मेरे मुखातिब आप हैं। जब मुखातिब आते हैं ना तो बात अंदर नहीं जाती कि साहिब का लफ्ज अगर इतनी अजमत वाला था तो सूरह यूसुफ में भी ये काफिरों के लिए भी इस्तेमाल हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के जो उसके साथी थे वो मुसलमान नहीं थे, वो काफिर थे और उन्होंने खाबें देखी और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी तबीयत फरमाई। तो ये बुजुर्ग के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है साहिब का, तो इस पर तो कोई ऐसी अजमत नहीं है काफिर के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पर सूरह तौबा में लफ्ज साहिब जो है इस्तेमाल हुआ था इसमें कौन सी अजमत पाई जाती है। तो मैंने पहले ही अर्ज किया कि अजमत होती है मकसूद की लहस है जिसके साथ इंसान की निस्बत हो, वहां सूरह यूसुफ में लफ्ज साहिब है इसका इनकार नहीं है और सूरह तौबा में भी लफ्ज साहिब इस्तेमाल हुआ लेकिन दोनों के मंसूब मिलाए जा रहा है। सूरह यूसुफ में जो साहिब के मंसूब मिले हैं लफ्ज़ साहिब को निस्बत दी गई है वो सिजन है और सिजन क्या है कैद खाना, ऐ मेरे कैद खाने के साथ तो निस्बत किधर दी होगी साहिब आई कैद खाना की तरफ लेकिन सूरह तौबा 40 आयत में जो लफ्ज़ साहिब जनाब क्योंकि वहां साहिब का जो मंसूब है वो सिजन का खाना है और यहाँ साहिब की जो निस्बत है और नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की तरफ है और हमेशा इंसान की अज़मत को देखना हो तो उसके मंसूब की तरह देखा जाता है कि जिसकी तरफ उसकी निस्बत दी गई है। ऐसा शख्स ऐसे नमूदार हुआ कि जैसे रात के अंधेरे से सुबह की ओट उठती है और ये उनकी शख्सियत पे ये माना पाया जाता है
वो कैसी सुबह थी या कैसा वो दिन था कि जब उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की तस्दीक फरमाई। हकीकत में उस दिन के मुकाबले में कोई दिन नहीं हो सकता जिस दिन में ईमान पर रिसालत नसीब हो, ईमान पैदा नसीब हो, उस दिन जैसा कोई दिन नहीं हो सकता। दूसरा माना इसका यह लिया गया कि जो बकर का लफ्ज है ये बिकर से है, बिकर जो है ये कमाली लड़की का है, बकार इससे भी माना मानिए जवान बीच बकर कहते हैं, लेकिन ये अहम बख्श है क्या पर जबर है। कभी आप गौर करें कि आप इसको पढ़ते कैसे बकर, ये लफ्ज गलत है, ये जो मैंने तलफ किया है इसमें क्या पर जबर है बकर, ये क्या पे जज्म है, जज्म और बकर, जज्म और बकर आता है क्या पे जज्म है क्या पर जबर नहीं होगा। तो ये कुनियत आपकी जो पड़ी है वो उसकी वजह वो यकीनन वो सुबह का वो नूर और आपकी इस्लाम की तस्दीक और वो रोज रोशन जिस आपने तस्दीक बेतब आपको नसीब हुआ और तस्दीक बे मिसाल नसीब हुआ ये उसी की तरफ इशारा है। नाम जरूर रखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शख्सियत में मन और मुंतकिल ना हो ये नहीं है। सरकार कहे अब्दुल्लाह वो किसी और का बंदा नहीं है। तो ये जो आयत है ये पूरे में साहिब ही ला तहल इन अल्लाह माना खुदा की कसम मौजूआत वो सब्जेक्ट है कि जिसमें उलमाए किराम ने निशानदेही फरमाई है कि इसमें मौजू रवायात है, मौजू बनाई हुई अपनी तरफ से और मौजूआत बड़ी मशहूर है। मौजूआत किसी किताब में जैसी रिवायत में नहीं बना सका कि इसमें दूसरा कोई और है, सिर्फ दो है, एक मुस्तफा है दूसरा सिद्दीक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुज्जत और शान ए सैयदना सिद्दीक अकबर, आस्ताने अली अदामा शरीफ, खिलाफत हुकूमत ये कैसी चीज है कि मैं हट के बात कर रहा हूं, बंदा उस तरह का नहीं रहता। ये आप अपने ऊपर देख पहले कुछ होते हैं फिर ऊपर जब सीट पे बैठते हैं तो बदल जाते ऐसा ही है। ये नेचर का बदलाव आम इंसान किसी भी मुल्क में आप देख रहे हैं पहले वो और होते हैं फिर वो और हो जाते हैं ऐसे ही। लेकिन आप देखें कि जनाब सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर में जो मोहल्ला था उस मोहल्ले की बच्चियां आती थी, बच्चियां आती घर में और इसमें बड़ी एक अदायत की बात है जो हमने लेनी है। आज की जो बुजुर्ग है वो समझते हैं मोहल्ले में किसी की बच्ची घर में आए खाली वापस नहीं मिल पाते उसको खाली आती ये बात में। तो बच्चियां आती आती वो इसलिए नहीं आती वैसे एक मरना समझ के आती है। तो अभी तक सिद्दीक का अमल क्या था आपका अमल ये था आप फोर बकरी के पास बैठते उस पर दूध निकालते और बीवी को कहते कि ये बच्चियां आई हैं खाली नहीं लुटाना चाहिए इनको थोड़ा थोड़ा दूध दे। ये अमल जब आपकी खिलाफत आई तो एक मरने की बच्ची आई तो झिझकते हुए उसने ना एक बात की
हमने तो आना छोड़ दिया, काम करवाया तो छोड़ दिया, काश कि आप तो खलीफा बन गए, वक्त के हाकिम बन गए। हमने सोचा कि शायद आपका रवैया जो है खलीफा अमीर वक्त ये बदल चुका होता। फरमाया ना ये सोचना भी मत कि मैं इसे बदल जाऊंगा, अब भी आया हुआ अबू बकर का वही रवैया होगा तो खिलाफ और जनाबे उमर रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि मैं एक माई थी मदीना बुढ़िया थी और बिनाई उसकी खत्म हो चुका, बेचारी को बड़ा मसला था घर में काम काज करने का, तो मैं जाता सफाई भी करता पानी भी लाता जो उनकी जरूरियात वहाँ पूरा करता घर में जो काम होता वो सारा करता। लेकिन एक दिन में आया तो मैंने बुढ़िया माई के घर में देखा कि पानी भी भरा हुआ है, सफाई भी हो चुकी है, सारे काम उसके हो चुके हैं। मैं अपने जेल में मैंने सोचा ये तो मैं कर रहा था, ये उन्होंने जो ये कर दिया। मैंने चला गया, फिर दूसरे दिन आया फिर ये वही देख, फिर तीसरे दिन वही देख। अल्लाह तुम्हें कहते मैंने सोचा कि देखना चाहिए बंदा होना माई बुढ़ी आ गया सारे काम कर गया। तशरीफ लाए हैं और उन्होंने वो सारे काम किए, मैंने सोचा वाकई अबू बकर तुम उम्र से भी ज्यादा सिद्दीक आपका लकब वो है कि जिस पर बड़ी सरदश का बाल हुई। हजरत इमाम बाबर सुभान अल्लाह आपका असल नाम मोहम्मद है, बाकी आपका लकब और ये पांचवें इमाम है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबर को बुलाया और हजरत जाबर है जो सबसे आखिर में आपने मिसाल फरमाया सहाबा से। हजरत जाबर को फरमाते हैं जाबर तेरी मुलाकात मेरे एक फरजंद से होती है, मेरे बेटे से होती है, उसका नाम मेरे नाम पर होता है। अल्लाह मुलाकात वो बिल बाकिर है, वो मुलाकात होगा बाकिर इसम से। तेरी मुलाकात होगी उसको मेरा सलाम कह मेरे बेटे मेरा सलाम। अगर जाबिर है आप पता है माशी होता है पता है कितना इंतजाम काटता है पता नहीं कब पूरी हो ये बात कब पूरी कब कब। अगर जाबर की आखिर पे बिनाई खत्म तो फरमाते हैं कि देख अब देखने के लिए किधर देखना था, सादात के घराने को देखना था कब वो बच्चा आता है कब वो हस्ती आती है। अगर फरमाते हैं अगर जाबर का मैंने मदीना छोड़ा ईरान में आ गया, ईरान में आया तो मुझे पता चला कि इमाम बाबर तो जिस तरह वो मिले रिवायत के नफ्स से कहते थे जहाँ पर आए तो बिना ही खत्म हो चुके इस तरह उन्होंने टटोला तो वो इस तरह मुंह पे हाथ इस तरह लगाया ये करते जा रहे थे होते जा रहे थे। आज मेरे आगा की बात पूरी हुई है, हजूर ने फरमाया तेरी मुलाकात मेरे एक बेटे से मिली नाम उसका बाकी होगा तो आज काश मेरी बिनाई हुई तो मैं अपनी आंखों से हजूर की सूरत को देखता आज की हमारी सही को अल्लाह और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुमला में सब लोग और उनका एहतराम उनकी ताजी उनकी तकरीब की तौफीक अता फरमाना। Sayyida Zawada Tayyiba 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 Tay
परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आमीन।